कमिंग बैक टू ब्लॉक फॉर एमडब्ल्यू डायरेक्ट ब्लॉक के नाम डाल दिया इसके लिए। और ये जो पीछे भी जा रही है ना, ये बीमार है, मम्मा बीमार है क्योंकि उनको है जुकाम। सर्दी खाती हूँ मैं, बराबर रोस्ट मारती हूँ क्योंकि क्या करती हूँ, आइसक्रीम खाई थी फिर उसके पहले से ही कुछ खा लिया था मम्मा ने और कूलर में सो गई थी, तो मतलब सो गए थे तो उसके चक्कर में मम्मा को ये आ गया, सर्दी आ गया और जुकाम भर गई। और कल है हमारा रोज़ा, कल यानी कि 3 अप्रैल को, और ये अभी वापस ट्यूशन जा रहा है, अभी आया था। हाँ हाँ टेटे टेटे बाय। तो चलो दिखाते हैं। और वैसे मेरा काम बाकी कपड़ा लाना है, लेकिन पता नहीं माँ से शीन क्या कर रही, तो देखना पड़ेगा, वो किचन में पक्का कुछ कर रही आज, वो उनको ना आलस चढ़ी, काम नहीं करना है उनको आज, मन नहीं कर रहा है, तो इसलिए मेरी ब्लॉग स्टार्ट किया अभी, शायद मैं ब्लॉग एडिट करूँगी, मुझे भूख लगी है, क्या कहूँ आज, पता है प्लाज भी मैं बहुत रेडी हूँ, अरे अभी भी काम कर रहे हैं, हाँ भी हो रही है। चलो देखते क्या बना रहे हैं। बैगन का भाजी बनाने का है, क्या डालना है, मसाला बैगन बनाने का। इसके लिए मैं पहला सिंगदाना रोस्ट करके ले रही हूँ, सिंगदाना चाहिए था मेरे को, मेरा रोस्ट रहता है लेकिन सिंगदाना रोस्ट किया रहता है। कैसा उतर गया है कितना? आज नहीं है, और मेरा तबीयत आज बहुत खराब है, मैं तो ग्रीन टी पी, ग्रीन टी नहीं पिया, हो गया मेरा सिंगदाना रोस्ट कर। गैस भी चालू, अभी वो चावल बैठाएगा, दाल बैठाएगा, ये ठंडा होने के लिए राखी, बाद में इसमें ये करेंगे। मेरी तबीयत आज कुछ खट्टा मिट्टा सी हो रहा है, कुछ करने का दिल नहीं बोल रहा है, सर्दी बहुत सर्दी हो गया, क्या मालूम क्यों अचानक सर्दी हो गया मेरे को, इसके लिए कुछ करने का दिल नहीं बोल रहा है, ऐसा लग रहा है चुपचाप एक जगह में बैठा रहा हूँ, ना किससे बात करूँ ना कुछ कुछ है, लेकिन खाना तो बनाना पड़ेगा ना, इसके लिए मैंने बोली जान दो चलो। और बैगन है, बैगन बनाएंगे, कल से रोज़ा चालू, और आज देखिए मेरा तबीयत खराब है, मैं रोज़ा रखूँगी, मैं रोज़ा रखेंगे, फिर भी इसको ठंडा होने दीजिए, फिर इसको साफ करेंगे, फिर बैगन बनाएंगे। चलिए मैं काट कूट के लूँ, और घर का काम नहीं हुआ आज, झाड़ू लगा के नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखिए सिंगदाना भूंज के मैं लेके आ गई, अभी इसको ठंडा करूँ, फिर मैं इसको साफ करके पीसेंगे, बैगन बनाएंगे, और वो बैगन और ये सब लाए बाद में देखा, चलिए थोड़ी देर में। क्या ये ट्यूशन से फिगर क्यों आया? मक्का सिंगदाना साफ हो गया है, बस इसको वो पीसना है, और ये है क्या कर रही हूँ, कांदा साफ कर रही हूँ, अब मेरे को साफ करने का पूरा, और यहाँ पे मसाला निकल रहा है, और यहाँ पे तभी करें कांदा वंदा साफ कर रहे, और मैंने दाल चावल हो गया, दाल भी बिठा दिया, और कुछ अभी मसाला पीसने का, तो पहले मैं काम कर लूँ, झाड़ू मारना है और कपड़े डालने में पहला करता हूँ, और देखो दाल का पहला सीट भूल गया ये भाई पानी। देखिए मैं बैगन काट के लिया, वो उससे काटी, वो हम लोग बंगाली में उसको बोलते हैं बोटी, और इधर का भाषा में क्या बोलता है मेरे को नहीं मालूम, क्या पाव से क्या क्या बोलता है, उससे काटी मैंने, क्योंकि मेरे को चाकू से ये सब काटने के लिए नहीं जमते। देखे पूरा अच्छे से काट ली, काट के भिगा के रखी इसको, मेरे को जो चाकू से नहीं जमता है ना, मैं वो चीज़ उससे काटती हूँ, मैं गाँव से लेके आई उससे काट लेती हूँ। और अभी मैं कांदा चॉप करेंगे, सिंगदाना साफ करके रखी, अभी कांदा चॉप करके लूँ, फिर बाद में देखा रू। चले मैं खाना बैठा दी, तेल गरम हो रहा है, और इधर सिंगदाना हो गया, सिंगदाना कूटे थोड़ा सा ये, चलिए मैं कढ़ाई में पहले बैगन डाल लूँ, बैगन डालने का, कांदा चॉप करके ली मैंने, खाना बनाओ फिर देखो, थोड़ा सी लेट जाओ, धोली में बैगन करेंगे। चलिए
इधर लहसुन में चॉप कर ली, लहसुन काट ली, ये जाएगा बैंगन में, ये जाएगा दाल में। मेरा बैंगन पहला अच्छे से फ्राई हो जाए, फिर देखा जाए। देखिए सिंगाना पीस के हो गए, मैं निकाल ली जितना मेरे को भाजी में चाहिए, बाकी मैं सब फ्रिज में भर के रख दूँगी। अब बैंगन हो रहा है सोलो में फ्राई कर रही मर जाएगा। थोड़ा फ्राई करके लूँ, इसको नरम नरम हो जाए ना, फिर इसको ये करेंगे। चलिए देखा रही, फिर ढाक थोड़ी देर के लिए। देखिए मेरा बैंगन हो गया, मैं उठा लूँ, एक 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 करके उठाऊँ, नहीं तो मेरी बैंगन फूट जाएगा। उठा लूँ फिर देखा। ये मैं सारा बैंगन उठा ली, अभी इसमें जीरा फोड़नी लगाएंगे। एक जीरा डाल दी मैंने, उसमें अभी डालेंगे कांदा। चॉप किया हुआ कांदा डाल दी, अब लहसुन डालेंगे चॉप किया हुआ। और थोड़ा कांदा रख दी, और दाल फोड़नी लगाएगा इसके लिए। देखिए जो झाड़ू लगा ले लो। अब देखिए मैं मसाला पीस के रख दी एक बार में, अदरक लहसुन हरा मिर्ची और टमाटर सब साथ में पीस ली मैं, सब साथ में पीस के डाल दे दी। अलग अलग पीसने से अच्छा एक बार में। चलिए होने दीजिए फिर देखा। चलिए मेरा कांदा हो गया, अभी इसमें डाल देंगे मैं ये मसाला। अभी इसमें सब डाल दूँ देखा रही। नमक डालेंगे, हल्दी, धनिया पाउडर, टिक्का लाल मिर्ची पाउडर, अरे काला रोने का लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, थोड़ा सी गरम मसाला। अब ये सबको अच्छे से भून के लेंगे, तेल छूटने तक भून के लेंगे। थोड़ा सा डाल दूँ मसाला का पानी, चलिए फिर देखा। देखिए कलर क्या है, मैं भाजी फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, ऐसा मैं कभी बना ही नहीं।
लेकिन मैं बना लू। खाने का दिल बोलता है ना मेरे को, जो मैं वो सीखती हूँ बना के, बना बना के सीखती हूँ, अच्छा हो चाहे बुरा हो बना के सीखती। और मेरा कोई नहीं है जो जिसको पूछूँ मैं अच्छा बना के क्या बना बताओ, कोई नहीं बताएंगे। उसका पापा को पूछने जाओ, उसका पापा अपना मर्जी टीवी में ही घुसा रहता है, खाना खाने का टाइम टीवी देखना, वो भी नहीं बताता जल्दी से। और उनको सारा मतलब मोबाइल कैमरा का सामने आने के लिए, हम लोग उसका जो वीडियो लेते हैं ना वो सब चोरी छुप के लेते हैं, वो कैमरा का सामने नहीं आता है। और मेरा लड़का लड़की तो वो तो बताएंगे ही नहीं, वो दोनों तो आड़ एक जने अरे कुकर में डाल बैठा के रखी डाल हो। अरे देखे झाड़ू लगाया जा रहा है अभी घर को देखे, और मोबाइल देखा जा रहा है, झाड़ू कम मोबाइल जास्ती, देख लीजिए ऐसा होता है हम लोग का घर में रोज का, झाड़ू कम मोबाइल जास्ती होता है, यही करती है। और एक जन नहीं है, हो गया ट्यूशन। और देखिए काली साफ की थी ना, देखिए सब इसका कारनामा इसने किया। चलिए झाड़ू लगा, मैं मेरा भाजी देख ली, सिंगदाना डाल देंगे, ये पिसा हुआ सिंगदाना है ना वो डाल देंगे। सिंगदाना डालने से भाजी का टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। बैगन भी डाल दो, चलिए अभी इसमें मैं पानी डालने का रुको, चलिए अभी इसमें पानी डाल दो, थोड़ा डालना पड़ेगा। थोड़ा डाल दो जब हमारा बैगन अच्छे से पक जाए। और इसमें अभी डालेंगे मैं कोतम्बी, रुके कोतम्बी डाल लो, देखिए कोतम्बी डाल दी, अब इसको ढक्कन लगा के 20 मिनट तक पकाएंगे, 16-20 मिनट। चलो ये होने रहे 20 मिनट के बाद दिखा रहे आप लोग को। और इधर झाड़ू लगा रहा है अभी भी, झाड़ू लगाते लगाते देखिए फिर गया मोबाइल, देख लीजिए देखे ऐसी करती है, झाड़ू कम लगाती है मोबाइल जास्ती। अच्छा बाहर के सब कपड़ा पूरा डाल के हो गया, और इसको मोबाइल का मैं इसका वीडियो आज डाला मेहंदी का, चलो फिर बाद में मिल रही। भाजी को थोड़ा हिला दूँ, देखो नहीं हिलाने का, हिला देंगे ना तो अपना भाजी लागेगा नहीं।
फूट जा रहा है। पाक गया है। अभी गैस में पानी कर देंगे थोड़ी देर में। हो गया मेरा भाजी गैस बंद कर, चलिए बाद में मिल रही है। मेरा खाना आ गया, बैंगन की मसाला वाला बैंगन और दाल। अरे देखिए मोबाइल लेके बैठा है, ट्यूशन से आके बिस्किट खाया, अब खाना खाने के लिए उसको चिकन चाहिए तो ही खाएगा, तो ये भाजी नहीं खाएगा, उसके लिए वो ऐसा बैठा है। मैं बैंगन नहीं खाऊंगा, बाकी भाजी देखिए वो ऐसा ही है। बैंगन दे दो, बैंगन दे दो, अरे नहीं सॉरी, भाजी दे दो, भाजी दे दो, बैंगन मत दो। ये बहुत बेकार है, बहुत बेकार हूँ मैं, बहुत बेकार। देखिए मेरा खाना हो गया, पूरा थाली साफ करके। ए तेज पत्ता, वो मेरा बेटा चिकन खा रहा था उसका, मेरा सब खा के बहुत टेस्टी बना था। भाजी भी दाल भी, दाल पी ली इतना सी है, पी दोनों चीज़ें बहुत टेस्टी बना था। भाजी मैंने बनाए फर्स्ट टाइम, लेकिन टेस्टी बना। मैं खा के बोल रही हूँ मैं बनाई, इसके लिए मैं खुद ऐसा नहीं, अच्छा ही बना, सही में बहुत टेस्टी बना। और दाल उसने बनाया, मेरी लड़की ने दाल बनाया, वो भी टेस्टी था। अभी वो खाना नहीं खाया, वो खा कर बोलेंगे भाजी कैसा बना, फिर बात आ रही आप लोग को। चलिए एक मिनट, चलिए वीडियो आज के लिए इतना ही। हम लोग का वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। अच्छा मेरे को आज बहुत आलस चढ़िए, जैसा लग रहा है मेरे को इन लोग से बात नहीं करने का, किसी से एकदम गपचुप बैठे रहो, कुछ टेंशन सिर में ऐसा सोचने का। और देखिए मैं बाल भी आज बांधी नहीं, ऐसा ही खोल के रख दी, देखिए मेरे बाल क्या हो, देखे बाल भी नहीं झाड़ी। मेरे को आज ऐसा लग रहा है चुपचाप बैठे रहो, किसी से बात ना करूँ ना कुछ कुछ नहीं। मेरा मुंह भी खराब हो गया पूरा, गला भी बैठ गया, आवाज कैसा हो गया, बहुत सर्दी लग गया, कैसा क्या मालूम। इन लोग का चलते, इन लोग कूलर ऑन कर देते हैं और कूलर की हवा पूरी मेरी ऊपर रखते हैं, इसके लिए यार इसके लिए मेरे को इतना सर्दी हो गया। और अभी खाना पीना खा के, गोली वोली खा के मैं सो जाएंगे। मेरी आँखें भी देखिए कैसा छोटा पूरा पानी पानी जैसा लग रहा है। चलिए वीडियो अभी इधर ही ख़त्म कर दे रहे हो। आज शाम को अगर मैं मार्केट गई तो उतना सी ब्लॉग जोड़ देंगे इसमें। चलिए बाय। और हम लोग का वीडियो कैसा लगा बोलने का, कल से हम लोग का रमजान महीना स्टार्ट, इसके लिए कल तो खाना बनाएंगे, बनाएंगे नहीं है नहीं बनाएंगे, लेकिन खाते हुए नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि कल हम लोग खाना नहीं खाएंगे, पूरा दिन पानी नहीं खाना, डायरेक्ट शाम को दिखाएंगे, आफ्तारी करने बैठेंगे, जो भी रोज़ा खोलने बैठेंगे तब दिखाएंगे। इसके लिए चलिए बाय, अल्लाह हाफिज़। और हम लोग का वीडियो कैसा लगा बोलने का, अच्छा लगा तो भी कमेंट करके बोलने का, नहीं लगा तो भी कमेंट करके बोलने का। चलिए यार अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और मेरा बेटा देखिए 10 साल का हो गया, लेकिन अभी भी वो खाना लेके ठोक तैयार है, उसको मिक्स करके दो तो ही वो खाएगा, नहीं तो नहीं। आज मैं भी मिक्स करके नहीं देंगे, मेरा दिल ही नहीं बोल रहा कुछ करने के, फिर भी मैं खाना पीना सब बना कर, ना नींद आ रहा है ना कुछ, सोने का भी नहीं, खाली ऐसा लग रहा है एक जगह में चुपचाप बैठे रहो एकदम ऐसा ही। इसके लिए 3 बज गया, अभी खाना खा लूँ। चलिए फिर कल नया वीडियो का सब मिलेंगे, बाय। बोलो बोल कैसा बना, बोल कुछ भी नहीं बना।
अरे माँ से टीवी साफ कर रहे हैं। अरे लंगा पुंगा बच्चा जो हर काम का एक्सपर्ट है, टीवी ठीक करना किसी का घर के लिए काम के लिए चाहिए ना इसको लेके जाने का, टीवी ठीक करना सब करना। ये बैगन नहीं खाती है क्योंकि इसको एलर्जी है, इसके लिए वो खाली सालन ले लिए बैगन। अरे मेरा खांसी का सिरप, अभी सब दवाई लेंगे, चलिए खा लूँ बाद में।